निशा बीनी, ये क्या हो गया? निशा बेटा चलो आओ। पर किसने किया ये सब बीनी? इतनी सारी चोटें, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ काकी माँ, मैं बस फिसल गई और कुछ नहीं। इनसे तो कम से कम झूठ मत बोल बेटा, तुझे मेरी कसम। काकू सर, काकी माँ, अगर आप वहां नहीं रहेंगे उस घर में, तो आप मुझे यहाँ अपने पास रख लीजिए। मैं उस घर में अकेले नहीं रह सकती। निशा बेटा तू बातें मत बना, सच बता बात क्या, ये किसने किया है? ये तेरे मम्मी पापा से कम नहीं है और इनको सब कुछ सच जानने का हक है। बता अदित ने क्या किया? मॉम प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, कुछ मत कहिए। आदि ये तूने अच्छा नहीं किया। निशा बेटा माना कि आदि हमारा बेटा, लेकिन हमारे संस्कार इतने गिरे हुए नहीं है कि वो एक औरत पर हाथ उठाए और हम चुप बैठे। मैं होने नहीं दूंगा, मैं कंप्लेन करूंगा। सुनिए सुनिए, क्या शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? ऐसा करने की सोच कैसे सकता आदि? ये मुझसे सहन नहीं होगा शारदा। अब दो मिनट के लिए आइए अंदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। मेरी फैमिली को वापस लाकर ये पैसा, इज्जत, ये सब वापस चाहिए, या फिर तुम अपने आदि से इतना प्यार करती हो कि सब कुछ ट्रस्ट में देने के बाद मेरे साथ किसी जॉल में रहोगी? 9 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। भाई राज, मैं अकेला आया हूं भाई, कोई नहीं आया और शायद अब इस घर में कोई वापस आएगा भी नहीं। बहुत हर्ट हुए हैं इस बार वो सब। नहीं राज, ये घर उनके बिना अधूरा है। मैं दुनिया ऊपर नीचे कर दूंगा, लेकिन उन्हें वापस लाकर ही रहूंगा। उन्हें आना ही होगा। देखकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन निशा से शादी के बाद आप पर से ऐसा विश्वास टूटा कि कुछ और मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। प्लीज मेरी मां समान काकी मां को उनके इस प्यार से संजोए घर में वापस ले आइए। मैं अपनी फीलिंग्स उन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी, पर मुझे उन्हें संभालना होगा। तेरा क्या, हर पल उनके पास रहकर भी उनसे दूर रहने का एहसास तुझे तोड़ देगा। अगर टूट भी गई ना तो फिर से खड़ी हो जाऊंगी, पर आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगी। अब प्लीज कुछ तो खा लो। जानवी, वादा कर तू दूसरी औरत नहीं बनेगी। तू निशा और आदित्य के बीच में वो नहीं बनेगी, वादा कर। ऐसा कभी नहीं होगा मां, आई प्रॉमिस। हेलो हेलो निशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी प्लीज। आदि देखो, जो आज हुआ है वो ठीक नहीं है। ओ रियली? बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, पहले नहीं सोचा इस बारे में। ये ड्रामा मेरे साथ मत करो, आई नो तुम्हें किसी की परवाह नहीं, सो स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। आदि यू आर राइट, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन वो सारी बातें एक तरफ है। लेकिन आज जो चीनी पीने के साथ हुआ है ना, जो उनकी हालत हुई है, ये ठीक नहीं है।
मेरे बच्चे हैं, मैं संभाल लूंगा। प्लीज डोंट से दैट, मैं अभी माँ हूँ उनकी, मुझे भी चिंता है उनकी। और तुम मानो या ना मानो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ ताकि उन्हें एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। इमेजिन आज डिवोर्स की बात सुनकर उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, कल को अगर ये डिवोर्स सच में हो जाएगा, गॉड फॉरबिड, तो कैसे इनसिक्योरिटीज के साथ जिएंगे तुम? और तुम कैसे संभालोगे उनको? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी, कैसे संभालोगे उन्हें? प्लीज मुझे अपनी कहानियों में घुमाने की कोशिश मत करो, सब समझ में आता है मुझे। और रही बात मेरे बच्चों की, हाँ उन्हें तकलीफ होगी पर मैं संभाल लूंगा, टूटने नहीं दूंगा। निशा ये डिवोर्स होके रहेगा एंड नो वन कैन स्टॉप मी। नहीं आदि, चीनी पीने के मामले में कोई कहानियां नहीं। धर्मेश जी भाई साहब, ये देख, पहचाना इस पेन को? हाँ भाई साहब, इस पेन को कैसे भूल सकता हूं मैं? बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी हैं इस पेन से। यादें बचपन में स्कूल के दौरान मुझ पर पेन की चोरी का इल्जाम लगा था, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा था, और सिर्फ दुनिया को यह साबित करने के लिए कि हम एक महंगी पेन खरीदने की क्षमता रखते हैं, आपने अपनी खड़ी बेचकर ये पेन, जो उस पेन से भी ज्यादा महंगी थी, आपने ये खरीदी। कैसे भूल सकता हूं भाई साहब, अचानक ये बॉक्स, ये पेन, ये सब कैसे याद आया? क्योंकि इस पेन से जुड़ी एक बहुत खास बात मेरे दिल में बहुत जोरों से हलचल मचा रही। उस वक्त बिना सबूत के मैंने तेरा साथ क्यों दिया जानता है? क्योंकि मुझे हमारी परवरिश, हमारे खून की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। पराए कितने भी अपने बन जाए, लेकिन अपनों की जगह कभी नहीं ले सकते, इसीलिए हमेशा अपनों पे परायों से ज्यादा भरोसा करना जरूरी होता है ना? नहीं बेटा, चलो लीली के लिए चलते। नहीं पापा, मुझे आपके पास ही रहना है। पापा तो आपके पास ही है, पर आपको क्लीन होके क्लास तो जाना पड़ेगा ना, वरना पता आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे? आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि आप डर गए। आप डरते थोड़ा ना, आप तो पापा के स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। कोई नहीं चढ़ाएगा आपको, कोई नहीं चढ़ाएगा। अगर कोई कुछ कहता है ना, तो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना। कोई कुछ नहीं कहेगा बिल्कुल। It's okay. आपको पता है, अभी ना आप यहाँ से क्लास में नहीं जाओगे, पापा आपको सीधा घर लेके जाएंगे। ओके मैम, ये जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, प्लीज गो बेटा, जाओ अपने और पिनी के बैग्स ले आओ। थैंक यू। मैं बंटवारा कर रहा हूँ इस घर को, इस परिवार को दो हिस्से में बांट रहा हूँ। आज से ना आप लोग इस पार आएंगे, ना मैं, निशा और हमारे बच्चे। ये सिंदूर, ये जोत इस बंटवारे के साक्षी हैं, पर बिलीव मी, मैं जो कर रहा हूँ इस परिवार की खुशी बचाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त पे पूरा भरोसा है जिस दिन ये सारा सच आपके सामने आ जाएगा। ये वादा है मेरा।